मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपने कभी इस्तेमाल किए होंगे। ये देश का जाना माना ब्यूटी स्किन केयर स्टार्टअप है। कंपनी की फाउंडर गजल अलग भी काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है। वो शार्क टैंक शो की जज भी रह चुकी है। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर है। ये साल 2022 में यूनिकॉर्न बनी थी। अब होनासा कंज्यूमर शेयर मार्केट में एंट्री करने वाली है। होनासा कंज्यूमर को इस साल अगस्त में आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी से मिली थी। खबरों की माने तो इस महीने के आखिर में होनासा कंज्यूमर का आईपीओ आ सकता है। आइए जानते हैं बाकी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। 31 अक्टूबर को होनासा कंज्यूमर का आईपीओ आ सकता है। ये आईपीओ 2 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी की 1,700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी का लक्ष्य 10,500 करोड़ रुपए की अनुमानित वैल्यूएशन का है। आईपीओ के लिए नए शेयर भी इशू किए जाएंगे और कुछ शेयर प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए भी बेचेंगे। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ऑफर फॉर सेल में कितने शेयर बेचे जाएंगे। ऑफर फॉर सेल में जो भी शेयर बेचे जाएंगे वो पूरा पैसा प्रमोटर की जेब में चला जाएगा। DRHP के मुताबिक होनासा कंज्यूमर के जो शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे उनमें अलग सोफीना वेंचर्स SA, इवॉल्वेंस, फायर साइड वेंचर्स, स्टेलारिस वेंचर्स पार्टनर्स, स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, ऋषभ हर्ष मारीवाला और रोहित कुमार बंसल शामिल है। सिकोया कैपिटल OFS में भाग नहीं ले रहा है। आईपीओ के लिए कंपनी एंकर इन्वेस्टर को लाइनअप कर रही है। संस्थागत निवेशकों से कंपनी की 800 से 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी कई उद्देश्यों के लिए करेगी। करीब 186 करोड़ रुपए ब्रांड विजिबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विज्ञापन पर खर्च होंगे। नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ओपन करने पर 34.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपनी सब्सिडरी में निवेश करने और नए सैलून स्थापित करने के लिए बी ब्लंट में निवेश पर करीब 27.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मामा अर्थ की शुरुआत साल 2016 में वरुण और गजल अलग ने की थी। ये दोनों पति पत्नी हैं। मामा अर्थ गुरुग्राम बेस्ड स्किन केयर और बेबी केयर यूनिकॉर्न है। साल 2022 में कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला था। इस वक्त कंपनी की ब्यूटी बेबी केयर और स्किन केयर सेगमेंट में मौजूदगी है। कंपनी के 3 बड़े ब्रांड्स हैं, जिनमें द डर्माको, बी ब्लंट और मामा अर्थ शामिल है। मामा अर्थ अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किसी भी तरह के विषैले पदार्थ का और खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती है। इनके प्रोडक्ट में हल्दी, चंदन, एलोवेरा, प्याज और चारकोल जैसे फायदेमंद प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। मामा अर्थ की शुरुआत एक बेबी केयर प्रोडक्ट ब्रांड से हुई थी, लेकिन अब इन्होंने बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। ये देश का सबसे तेजी से 1000 करोड़ का ब्रांड बना है। DRHP के मुताबिक कारोबारी साल 2022 में कंपनी को 943 करोड़ की आय हुई थी, जबकि मुनाफा करीब 14 करोड़ 44 लाख का था। DRHP के बाद 22,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने के प्लान पर गजल अलग की आलोचना भी काफी हुई थी। सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल भी किया गया था, लेकिन अब कंपनी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ के लिए रकम जुटाने की प्लानिंग कर रही है। जोमैटो और पेटीएम के बाद काफी लंबे समय के बाद कोई यूनिकॉर्न लिस्ट होने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ आपका कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक।